तो दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे सताक्षी रेस्टोरेंट एंड लॉन्च जो लोकेटेड है जयसिंहपुर महाराष्ट्र में। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। बताते जाऊंगा यहाँ पे मटेरियल कौन सा यूज़ किया है, कैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुआ है, इसका प्लान क्या है, मैं सभी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वुडन फ्लोरिंग टाइल्स यूज़ की है लॉबी में, और श्री गणेशा यहाँ पे विराजमान है हाथी के ऊपर, और थोड़ा सा वाटर फाउंटेन वगैरह दिया है जो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ पर रात को इस पर लाइट्स वगैरह भी आती है, तो बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन किया हुआ है। तो यहाँ से हम चलेंगे रिसेप्शन एरिया में। तो ये सामने आप देख रहे हैं रिसेप्शन एरिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से नेचुरल लुक देने की कोशिश की है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये। आप ऊपर देख सकते हैं एमएस की पाइप पे, वहाँ पे पूरा रूफ दिख रहा है आपको। तो चलिए मैं आपको इसका सिटिंग एरिया दिखाता हूँ। सिटिंग भी बहुत ही खूबसूरत बनाया है पूरा एमएस में, और ऊपर सिर्फ टॉप पे आपको वुडन का फ्लैंक्स दिख रहा होगा, और खूबसूरत विंडोज़ जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, पूरा नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन भी मेंटेन हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर बैठने के बाद आपको कुछ भी ऐसा कंजेस्टेड फील नहीं होगा, पूरा आप जो नेचर है उसके साथ आप यहाँ बैठ के खाना खा रहे ऐसा फील होगा आपको। ये आप सामने देख रहे हैं किचन एरिया, मैं आपको दिखाता हूँ किचन एरिया में हम एंटर होने के बाद। यहाँ पे मेज़नाइन फ्लोर है और ये पूरा किचन का सेटअप आप सामने देख रहे हैं, और यहाँ पे स्टोरेज एरिया ये आप सामने देख रहे हैं स्टोरेज एरिया। आगे चलते हैं यहाँ पे वॉशिंग एरिया। तो चलिए अब हम आउटडोर एरियाज को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं वो आउटडोर एरिया है, अभी कस्टमर्स नहीं है इसलिए कुर्सियाँ वगैरह थोड़ा सा फोल्ड करके रखी हुई है उन्होंने। तो ये शाम को बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है कैंडल लाइट डिनर के लिए, बहुत ही खूबसूरती से पूरा ग्रीनरी वगैरह बिछाया है बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ सामने ही आप देख सकते हैं लाइट्स जो शैंडेलियर जैसे दिख रहे हैं यहाँ पर। तो एमएस के पाइप का बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर यूज़ किया हुआ है आप देख सकते हैं। यहाँ पे वुडन में पूरा फर्नीचर वगैरह बहुत ही खूबसूरती से भरा है। यहाँ पे हैंड वॉश करने के लिए वॉश बेसिन रखे हुए हैं, और ये पूरा खुला आकाश के नीचे हम बैठे हैं और पूरा नेचर में आप लुक ले सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों यहाँ की एक खासियत मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो वॉल है एक्सपोज्ड ब्रिक वॉल है, और वहाँ पे ये जो दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे दिए बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ पर। तो शाम के वक्त और नाइट में बहुत ही विजन बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। दोस्तों इस रेस्टोरेंट की मुझे खासियत बहुत ही अच्छी लगी जो कि है यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा आसमान आपको खुला हुआ आसमान दिखाई देता है, नेचर के साथ आप बैठे हैं ऐसा फील होता है आपको, और ठंडक बहुत ही अच्छी रहती है यहाँ पर, वेंटिलेशन भी बहुत बढ़िया है, बैठने के लिए कूल लगता है। तो चलिए मैं आपको मेज़नाइन फ्लोर दिखाता हूँ, वहाँ पर भी फैमिली रूम अवेलेबल है आपको यहाँ पर, और ये जो स्टेप्स है वो स्टेप्स भी वुडन प्लैंक से ही बनाई हुई है, बहुत ही खूबसूरत दिख रही है मैं अभी फील कर सकता हूँ। और जो विंडोज़ है वो फसाद जो है वो बहुत ही बड़ी बड़ी दी है, इस वजह से ऐसा नहीं लगता कि आप कॉम्पैक्ट जगह में बैठे हैं, पूरा खुला आसमान के नीचे बैठे हैं ऐसा लगता है आपको। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको इसका रूफ़ दिखाना चाहता हूँ, इस रूफ़ की वजह से ही पूरा रेस्टोरेंट जो है वो खूबसूरत दिखाई देता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लाइडिंग विंडोज जो है वो लगभग 6 या 7 फीट तक रहेगी। तो ये जो है वो एमएस पाइप पे ही फिटिंग की हुई है आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरती से एक्सपोज्ड ब्रिक जो है वो नीचे यूज़ की है सील लेवल तक, और वहाँ से ऊपर तक पूरे 8 फीट तक प्लेन कांच यूज़ की है। और यहाँ पर चेयर्स आप देख सकते हैं वुडन में यूज़ की है जो सागवान में बनाई है।
ब्लैक और व्हाइट में यहाँ पे कॉम्बिनेशन किया है फ्लोरिंग पे। तो चलिए फिर से एक बार हम ग्राउंड फ्लोर पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, आधा इंची पाइप में खूबसूरती से डिज़ाइन किया हुआ आपको पार्टीशन भी दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि रूफ जो है उसका डिटेलिंग यहाँ पर देख सकते हैं, एमएस पाइप में पूरा फिक्स किया हुआ रूफ। लगभग 300-400 लोगों के लिए ये लॉन डिज़ाइन किया हुआ दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे आप रिसेप्शन रख सकते हैं, बर्थडे पार्टीज रख सकते हैं। बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन किया हुआ ये रेस्टोरेंट है, तो आप ज़रूर इस रेस्टोरेंट को विज़िट कीजिए और यहाँ पर थोड़ा सा वक्त बिताइए। बहुत ही खूबसूरत प्लेस है ये। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इस रेस्टोरेंट को विज़िट ज़रूर कीजिए। आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो जयसिंहपुरा के इस रेस्टोरेंट को विज़िट कीजिए। और चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।